softly spoken with no... Welcome to our official channel, Sagar Group of Education. Hope you liked the first episode of the writing skills, that was notice writing. Today, what we are going to discuss is diary writing. Now, the question comes in our mind is, what is diary writing? So, diary writing is a personal writing. When we write our thoughts, our feelings, when we don't have some friends to share something and we give it to the diary, our real friend. So, today we are going to talk to our real friend. Okay, आज हम अपने दोस्त से बात करने वाले हैं, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं डायरी राइटिंग. Okay, so let's start diary writing. Format of a diary writing, कैसे हमें डायरी राइटिंग के जो हमारे कैश मार्क्स है उसे गेन करना है वो देखते हैं, देन वी विल सॉल्व अवर क्वेश्चन. फर्स्ट इज वी हैव टू राइट डेट, डे, टाइम. वी हैव टू, देखो ये एक लाइन हमें छोड़ देनी है, डियर डायरी, दैट इज कॉल्ड सैल्यूटेशन. क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड, जब आप डियर डायरी से बात कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड सैल्यूटेशन. हेडिंग लिखना है, दैट इज ऑप्शनल. सीबीएसई में हेडिंग लिखना कंपलसरी होता है, एल्स आप उसको निकाल भी सकते हो. यू कैन यू कांट राइट टू, तो इट इज ऑप्शनल. डायरी राइटिंग, एज आई सेड, डायरी राइटिंग मेरी फीलिंग्स है. मैं डायरी राइटिंग सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मुझे पढ़ना है. दैट्स वाई डायरी राइटिंग हमेशा आई फर्स्ट पर्सन में ही होता है. और दूसरा, डायरी जो इवेंट हो चुकी है ना, वो इवेंट है, इसीलिए इट इज ऑलवेज इन द पास्ट टेंस. तो आपको क्या याद रखना है, जब भी आप डायरी लिखते हो तो यू हैव टू राइट आई, मतलब कि फर्स्ट पर्सन प्लस सेकेंड वर्ब. तो आप क्या कर सकते हैं, हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, आई प्लस सेकेंड वर्ब. अगर नहीं समझ में आता है छोटे छोटे सेंटेंसेस, आई प्लस सेकेंड वर्ब के करके हम हमारी डायरी को कंप्लीट कर सकते हैं. देन वी हैव टू, वट एवर नेम दे हैव गिवन इन द क्वेश्चन, हमें उसका सिग्नेचर करना है और हमें अपना नाम लिखना है. डायरी बहुत लंबी भी हो सकती है, बहुत छोटी भी हो सकती है, दैट इज अप टू अस. मगर क्योंकि हमें हमारी डायरी हमारे मार्क्स गेन करने के लिए लिखनी है, तो हमें बहुत लंबा नहीं लिखना. तो अब इसी चीज को हम लोग क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं, ठीक है? आई हैव रिटर्न डेट. ओके, तो डेट आप कैसे लिखेंगे? हमारा डेट, देखो क्या आप डेट को, आज सपोज टुडे इज 13, तो आप क्या इसको ऐसे लिखोगे 13 10 20 20? चलेगा? नहीं चलेगा. वॉट यू हैव टू डू इज यू हैव टू राइट 13th October 2020. ओके, विच डे इज दैट टुडे, आज कौन सा दिन है? विच डे? टुडे इज ट्यूजडे, तो आई राइट हियर ट्यूजडे. ओके, व्हाट टाइम आई एम राइटिंग? इट इज 6, तो आई विल राइट हियर 6 PM. ओके, तो दिस इज हाउ टू राइट डेट, डे एंड टाइम. आप ये बोलेंगे कि मैम क्या मैं डेट और डे साथ में लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ? यस, यू कैन राइट इट 13th October 2020 Tuesday. यू कैन राइट इट दिस वे टू. ओके, एज यू विश. Then heading, as I said, this is optional. आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी. Heading, अब अगर हम question में जाते हैं, अमिता और अमित, either you are a girl or a boy, used to be your classmates in class 5. However, for some reason he or she had to shift abroad with his or her parents. ठीक है, अमिता या अमित आपके दोस्त है, उनको किसी रीजन की वजह से अब्रोड शिफ्ट हो जाना पड़ा. मतलब क्या कि हम दोस्त अलग हो गए, बिछड़ गए. अब लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ, अमिता या अमित को टाइम मिल गया आपको ढूंढ के फेसबुक
पे उसने आपको रिक्वेस्ट भेजा. ओके, तो रिसेंटली यू रिसीव्ड अ फ्रेंड रिक्वेस्ट फ्रॉम हिम और हर ऑन फेसबुक. यू एक्सेप्टेड, आप खुश हो गए और आपने क्या किया, फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया. और फिर क्या, फिर हम लोगों ने घंटों बातें करी, राइट. एंड अब आपने वो जो बातें करी ना अपने फ्रेंड के साथ, आप अपनी डायरी को बता रहे हो कि डायरी पता है तेरे जैसे ही एक और फ्रेंड मुझे मिल गई है जो बचपन में मेरे साथ थी, राइट. तो हम ये सब चीज़ें डायरी को बता रहे हैं. तो आपका हेडिंग क्या होगा, तो दैट इज 6 PM आपने जो लिखा है उसके बाद एक लाइन आपको छोड़ना है. डियर डायरी, क्या है, क्या क्वेश्चन है. अगेन आई से इट कि आपका हेडिंग ऑप्शनल है, मैं लिख रही हूँ, आप उसको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा. आपकी फीलिंग्स आपको बताना है. देखो, राइट योर फीलिंग्स अबाउट मीटिंग अ लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड. तो हम क्या लिख रहे हैं, फीलिंग्स ऑफ मीटिंग लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड. नॉट मोर देन 6 words, 4 to 6 words ओनली, 1, 2, 3, 4, 5, 6, बस इतना ही. फीलिंग्स ऑफ लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड. अब बॉडी मेरा, क्या मुझे मेरी डायरी को बताना है कि डायरी मुझे मजा आ रहा है, ठीक है ना. तो आप ये बोल सकते हो कि आपकी आज बात हुई है, यूज्ड टू बी योर क्लासमेट, हाउएवर फॉर द सम रीजन रिसेंटली. देखो यहाँ आपको बताया नहीं आज हुआ, कल हुआ, परसों हुआ, तो आप वंस लिख सकते हो, यस्टरडे लिख सकते हो, टुडे लिख सकते हो. तो मैं ये लिख रही हूँ कि कल मेरी बात हुई थी, है ना. यस्टरडे वॉज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ. एज क्यों, क्या हुआ था, क्योंकि मुझे मेरी फ्रेंड की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई और मैंने उससे बहुत सारी बातें की. एज आई मेट, कल मैं उसे मिली थी. माई, मैंने क्या बोला, ऑलवेज पास्ट वर्ब, सेकेंड वर्ब, आई मेट माई लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड. मैं अमित या अमिता कुछ भी लिख सकती हूँ, मैं अमिता लिख रही हूँ, अमिता ऑन फेसबुक, ठीक है. डायरी, मुझे मेरी लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड अमिता मिली फेसबुक पे. आई वॉज थ्रिल्ड, मैं बहुत खुश हो गई थी व्हेन आई गॉट फ्रेंड रिक्वेस्ट From her, I had accepted it in a moment. Just a second, bacha. फटाफट मैंने उसको accept कर लिया. And what next? और फिर पता है क्या हुआ? देखो, grammar है ना बेटा, आपकी वॉक्यूबलरी पे डिपेंड करता है. आप सामने वाले को कैसे इम्प्रेस कर सकते हो, पता है फिर क्या हुआ, तो दैट एंड व्हाट नेक्स्ट. वी हैव, क्या किया था हमने, एंडेड अप चैटिंग फॉर आवर्स, हमने बहुत सारी बातें की. वी हैव, हमने सब चीज़ें बहुत सारी जो हमारी पास्ट की बातें थी वो याद करी. तो वी हैव एंडेड अप विथ लॉट्स ऑफ, हमने क्या किया, बहुत सारी चैटिंग किया, बहुत सारी बातें करी, चैटिंग. वी टॉक्ड, हमने क्या क्या बातें करी, अब आप थोड़ा बहुत वो भी बता सकते हो कि वी टॉक्ड अबाउट आवर स्कूल डेज, हमने हमारे स्कूल डेज के बारे में बातें किया, हमने हमारी जो भी स्कूल डेज में हमने किया था वो बातें किया. अब हमें क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, हमें याद रह गया है कि क्या क्वेश्चन है. तो आई एम रबिंग दिस. ओके, सो
क्या किया हमने? चैटिंग वी टॉक अबाउट आवर स्कूल डेज, हाउ वी वर इन आवर चाइल्डहुड. इट वॉज द बेस्ट टाइम एज वी ऑलवेज वर टुगेदर नो मैटर्स वॉट द सिचुएशन. वी प्लेड, डांस्ड, स्टडीड and enjoyed our lives. It was the best time. It was the best time. एक बार लिख दिया है, no need to write. Okay. जब मैंने उससे बात करी तो मेरी फीलिंग क्या है? It was so so good to talk to her or him. After so long हम लोगों ने बात करी ना, I'm so happy. Right? यहाँ आप ये भी लिख सकते हो कि lockdown में when I was losing my hope, when I was not getting some positive vibes, she has given me that or he has given me that. आप कुछ भी अपने आप से you can add or you can delete something from this. Okay, I wish we can meet soon. देखो ये past tense में नहीं है क्योंकि आप wish कर रहे हो, आप डायरी को बता रहे हो क्योंकि डायरी आपकी दोस्त है ना, तो आप डायरी को बता रहे हो कि डायरी जैसे तू मेरे साथ है ना, आई वॉन्ट कि मेरी फ्रेंड भी मेरे साथ रहे. ठीक है. अच्छा आपने देखो यहाँ था कि अमिता, लॉन्ग फ्रेंड अमिता तो आपको मिली थी, तो आपका नाम यहाँ आपको आपका सिग्नेचर करना है. तो व्हाट यू विल राइट, व्हाट एवर माय नेम इज, ठीक है ना. तो व्हाट आई विल डू इफ आई विल राइट, मुझे मेरा नाम एक्स वाई जेड, मैं सिग्नेचर और नेम को लिखूंगी. ओके, आई कैन राइट हियर एनीथिंग. सपोज माई नेम इज मीता, तो व्हाट आई विल डू, दिस आई विल साइन एंड देन M double T A, whatever my name is, I write down that. So I hope you guys understood this. Hope you guys like this video. Please like, share, and subscribe our channel. And yes, don't forget to press the bell icon. Notice writing video ka link description mein diya hua hai. Any query you can ask in the comment section. Bye bye. Good day. It low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me.